सीआरपीसी का किताब है, सीआरपीसी का। सदन में रह करके झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री। सीआरपीसी 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी बिना वारंट के भी पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति ऑलरेडी है। ये देखिए, तब कर सकती है जो पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो। बोधि मंदिर में पुलिस की ड्यूटी रहती है, अगर कोई अपराधी अगर कोई घटना बंदूक निकालेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको वारंट की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप लोग सब गवाह हैं, जब मुख्यमंत्री आए थे सदन में, हम आए थे, हम खड़े उठे, उठ करके जब बोलने लगे, बोलते बहस करना चाहिए, बहस करके अपनी बात को रखना चाहिए। जब हम खड़े हुए, हमको बोलने दिया गया कि पेश कर दिया गया बिल, हम तो बोल रहे थे, हमको बोलने का मौका दीजिए। आप लोग सब लोगों ने देखा कि बार बार हमने आसन से मांग की कि हमको समय दिया जाए बोलने का। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो गायब हो जाते, आप बेवकूफ बना रहे। यह पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा, बिना वारंट के तलाशी की जा सकती, यानी कोई समय सीमा कुछ नहीं है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोगों को, पत्रकारों को घर घुस करके पीटेंगे। कोई वारंट है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि इसमें जो है बिना वारंट के जो है अपना पूरा कार्रवाई करेगी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा, तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या 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 कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा, आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा रख आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जे।